I'm Yashika Bhardwaj from I'm Still Human, and today with us is the notorious and renowned cricket player, Mr. Jaskaran Singh Sohi. So first of all, sir, I welcome you with a warm heart and open arms from the NGO. So how do you feel to be here? Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के. It feels good to be a part of you. So बहुत अच्छा लग रहा है आपका आप जो society को help कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि I'm part of this and I'm कुछ कहीं ना कहीं I'm helping the society. सर आपने इस NGO को एक ब्रिक से मैंशन तक बढ़ते हुए देखा है स्टार्टिंग से इसको दो साल हो गए हैं तो आपका क्या टेक है उस पर किसी मतलब सोशली उसको सोशल मतलब अनप्रिविलेज को सबको मैनेज करना उनको अच्छा मतलब लाइफस्टाइल देना जो नहीं अफोर्ड कर सकते सो बहुत अच्छी चीज़ है और सोशल मतलब सोशल उसको बढ़ाना इज़ अ गुड थिंग सो अच्छी बात है कि वे उन्होंने इनिशिएटिव लिया बहुत कम यंगस्टर्स ये इनिशिएटिव लेते हैं क्योंकि सारे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं सर जो आई एम स्टिल ह्यूमन है ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू यूथ आज के यूथ के ऊपर है तो जब विवेक सर आपके पास आए ये आइडिया लेके कि मैं एक एनजीओ रन करने वाला हूँ जो इस यूथ के ऊपर है तो उस पर आपका क्या कमेंट था मैंने एक्चुअली ये नहीं आया था मैंने कॉल किया था कि तू एनजीओ रन कर रहा है तो मुझे बता के क्या कहीं हेल्प की जरूरत हो तो क्या क्या सीन है तो मैंने इसको कॉल की थी सो उस क्योंकि आई एम वेरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ कि एक यूथ मतलब जो मेरे साथ का मेरी उम्र का लड़का है वो इन चीज़ों में देख रहा है नॉर्मली सोसाइटी ये चीज़ नहीं देखती है मतलब यूथ ये चीज़ अपना इन्जॉय करते हैं वो करते हैं बट अनप्रिविलेज जिनके पास जिनको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है उनको क्योंकि हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ बैठे हैं अच्छे मतलब अच्छे खा पी रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कहीं को नहीं भगवान नहीं नहीं दिया वो कहीं को तो उनको हेल्प करना इज़ अ गुड थिंग सर आपने पंजाब रणजी ट्रॉफी खेली है उसमें आपका सेंचुरी था मुंबई के अगेंस्ट तो अगर उस सेंचुरी को एनजीओ के साथ कंपेयर करें तो वो एनजीओ में क्या सेंचुरी रहेगी आपके अकॉर्डिंग एनजीओ सेंचुरी वो अलग फीलिंग थी बट हाँ मैं उसको ये दे सकता हूँ कि हाँ मेरे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ थी मतलब जो मेरे साथ हुआ मैंने बहुत अच्छा वहाँ किया था बट जो आप ये चीज़ कर रहे हो वो सेंचुरी के बराबर का ही है कि जो आप कर रहे हो हाँ उससे भी फार है कि आप सबको मतलब जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता आप उनके दिलों में पहुँच के उनको सपोर्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है वो मतलब इस मेरी सेंचुरी उसके बराबर नहीं है बट वो मेरे लिए उस टाइम बहुत अच्छी सर रेवोल्यूशंस डोंट हैपन ओवरनाइट उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है दिन रात एक करनी पड़ती है विवेक सर सबको पता ही है कि आप बचपन से दोस्त हैं और यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर लेकिन उन्होंने ये फील्ड ज्वाइन कर ली वो एन जी ओ रन करना है और देश की सेवा करनी है तो उस पर कमेंट क्या है आपका कमेंट ये है कि आई नेवर थॉट दैट ही वुड डू दिस मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ही वुड डू दिस कि जब हम पढ़ते होते थे कि हाँ कोई मेरे साथ का कोई ऐसा कुछ कहेगा बट पता नहीं क्या इसके अच्छा दिमाग में आया तो ये करने लग गया सो आई एम वेरी प्राउड टू बी मतलब इट्स अ लीडिंग एनजीओ ऑफ चंडीगढ़ राइट या या सो आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद हिम एंड दिस एनजीओ तो बहुत अच्छा मतलब फील होता है कि हाँ कि मेरे फ्रेंड मेरा फ्रेंड भी कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसमें सारी सोसाइटी को हेल्प हो रही है सर इसके काफ़ी सारे अभी इवेंट्स हो चुके हैं कैंप्स हो चुके हैं तो उसमें आपके क्या व्यूज हैं कैंप्स में एक्चुअली मैंने अटेंड भी किया है मैंने फुटबॉल मैच भी अटेंड किया था जो फुटबॉल मैच हुआ था सो जो जिसमें सारे फुटबॉलर्स को जो तीन फुटबॉलर्स आपने वो किए थे उनको 10,000 रुपया दिया था सो आई वाज पार्ट ऑफ इट तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कई बंदे अपनी ड्रीम्स को इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कोई और कमी आ जाती है तो उनकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप हेल्प कर रहे हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग सर इसका जो कनेक्शन है आर्मी से है हमारे आगे एक इवेंट आ रहा है उम्मीद 25 फरवरी 2017 को इसमें जो एक गैप बन रखा है सर आर्मी के और सिविलियंस के बीच में उस गैप को भरा जा रहा है और वो काम आई एम स्टिल ह्यूमन कर रहा है तो आर्मी पे आप क्या बोलना चाहेंगे आर्मी इज़ द बेस्ट थिंग मतलब जो आर्मी जो भी आर्मी पर्सन है ही इज द फर्स्ट आई टेक इट मतलब जो आइकन फर्स्ट आइकन ऑफ ऑल द इंडियंस सो वो अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे आराम से नहीं घूम सकते तो उनको मोटिवेट कर रहे हो उनको अच्छे लेटर्स जा रहे हैं थ्रू आउट द इंडिया उनको मतलब बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि सियाचिन में जा बंदा सांस भी नहीं ले सकता वहाँ पे वो ड्यूटीज़ देते हैं तो इट्स अ वेरी टफ जॉब मतलब बहुत मुश्किल है तो उनको सपोर्ट करना उनको मोटिवेट करना दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड सर एनजीओ को कहाँ देखते हैं आगे मतलब कितनी लंबी उड़ान हो सकती है इसकी मतलब यू आर टचिंग द हार्ट्स ऑफ thousand people thousands yes, so sir. you'll have to go to millions I think you'll in fact jo bhi ummeed aa raha hai ek national event hoega ye haan ji ummeed mein I've heard it about ummeed so it's a good matlab aap sari history bata rahe ho jo ek personal jo banda itne ऊपर के लेवल के बंदे जो अपनी सारी हिस्ट्री बताएंगे और सबको मोटिवेट करेंगे दैट्स अ गुड थिंग एंड सबको पता लगेगा कि एक आर्मी और एक मतलब नेवल फोर्स में होने के लिए मतलब क्या क्या कहाँ से गुजरना पड़ता है और कैसे बंदा वो करता है
तो दैट्स अ गुड थिंग कि लोगों को पता लगेगा, मोटिवेट होंगे उससे। सर आप क्रिकेटर हैं, आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता होगा, उसके बावजूद भी आप टाइम निकालते हैं सर के लिए, एनजीओ के लिए, सोशल कॉज के लिए, तो आप कैसे करते हैं सब? दिस बेसिकली इतना बिजी किसी का नहीं होता कि थोड़ा सा टाइम भी ना निकाल पाए। प्रायोरिटीज की बात होती है कि प्रायोरिटी मतलब आई लाइक बीइंग मतलब मैं सोशली सबको हेल्प करना चाहता हूँ, बट कई बार नहीं कर होती, कई बार हो जाती है। सो बेसिकली ये मेरा एक वे है कि आई एम कनेक्टेड टू विवेक, तो मैं अगर सोशली किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ तो आई डू इट थ्रू विवेक, और तो अच्छी बात। अगर अपार्ट फ्रॉम विवेक कोई आता आपके पास ये आइडिया लेके कि सर मुझे ऐसे करना है, तो एक्चुअली आई वांटेड टू रन एन एनजीओ, मेरी एक फ्रेंड है। सो जब इससे पूछा था कि एनजीओ का क्या सीन है, तो मैंने तो शी वांटेड, हम तीन जाने थे, सो वी वांटेड टू रन एन एनजीओ। तो जैसे वो संकल्प है डीएवी में, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके साथ की कोई एनजीओ ऐसे हम सोच रहे थे कि टू इन्वेस्ट मनी एंड डू समथिंग, जिससे हम लोगों को हेल्प कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें, क्योंकि वो मतलब बस सारी एनजीओज अपना बेनिफिट देखती हैं, जितना मैं देख रहा था। जैसे आजकल हो ही रहा है एनजीओ के नाम पे बहुत गलत काम भी हो रहे हैं, तो एनजीओ पर जैसे रजिस्टर हो जाती है तो सिर्फ वो रजिस्टर के बाद तो वो कुछ करते हैं। तो विवेक ये मतलब ये मैंने बहुत कम एनजीओ देखी है जो अपने फायदे के लिए नहीं, लोगों के फायदे के लिए करती है, तो यू आर वन ऑफ देम। सो तब मेरा ये आइडिया था कि हाँ ये बहुत अच्छा कॉज है कि करना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपना अपना सोचता है कि हम मैं पैसे खा लूँ, मैं ये कर दूँ, तो वो दिखाने हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो काम चल रहा है आजकल। तो आई सेव्ड अ डॉग, एक पपी था छोटा सा, सो आई वॉज गोइंग 11 सेक्टर वाली रोड पे, आई वॉज गोइंग, तो एक पपी था, I picked him up on the road, he was crossing the roads, और वो किसी ना किसी गाड़ी के नीचे आ जाता अगर कोई ना उठाता। सो आई टुक द इनिशिएटिव एंड उसको पार्क में छोड़ने की कोशिश की थी, बट वो सर्दी इतनी थी कि वो या तो मर जाता, खाने को ना मिलता है, और उसकी कोई दिख भी नहीं रहा था मुझे आसपास कुछ। सो मैंने विवेक को कॉल किया था कि बेस्ट गाइड टू डू दिस, सो ही गाइडेड मी के डॉग उसमें शेल्टर में छोड़ दो, जिससे हेल्प होगी इसकी। सो आई सेव्ड अ डॉग। सबसे ज्यादा मुझे किसी को प्यार करता हूँ, घर वालों का तो आया बचपन से है आपके घर में कोई ना कोई पेट? हाँ जी हाँ जी, मेरे बचपन से, इट्स बीन 8 years 8-9 years। उम्मीद इज हैपनिंग ऑन 25th Feb 2017 एट IMH सेक्टर 35 चंडीगढ़। Hope you all have grabbed your passes. See you there. Let's unite for India and for Army. Thank you.